हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कढ़ी तो हम कई तरीके से बनाते हैं, पर आज हम कुछ अलग हटके बनाएंगे, जिसका नाम देंगे हम फ्लावर एक कढ़ी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। फ्लावर एक कढ़ी बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अंडे को एक फ्लावर शेप में काटेंगे। तो हम अंडे को ऐसे बीच से दो पार्ट और उसके बीच से दो पार्ट, तो ये होगा अपना फ्लावर का शेप। ऐसे ही हम सभी अंडे को काट के रखते जाएंगे। ध्यान रहे, नीचे का पार्ट ज्वाइंट होना चाहिए और ऊपर का पार्ट कट जाना चाहिए। तो हमने आपको ऐसे अंडे काट के दिखा दिए। चलिए तीसरा भी हम दिखा देते हैं। तो ऐसे और ऐसे कट लगाना है, नीचे के पार्ट को ज्वाइंट रखना है। तो ऐसे ही हम सभी अंडे को काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी अंडे को बीच से ऐसे काट लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें हम 4 चम्मच बेसन लेंगे। ये चने का आटा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा घोल बनाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाते हैं। ये बेटर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली सी बेसन की खोल होनी चाहिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाही लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे, कढ़ाही को गर्म होने देंगे। कढ़ाही गर्म हो चुकी है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप कोई भी खाने वाला ले सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम बेसन का घोल लेंगे। घोल में हम एक एक अंडा डालेंगे और अंडे के ऊपर हम बेसन लिपटा देंगे। अब हम इसे आराम से कढ़ाई में छोड़ देंगे। ऐसे ही हम दूसरा अंडा भी डालेंगे और उसके ऊपर से हम घोल डालेंगे। घोल में अच्छे से अंडा लिपट जाना चाहिए और इसे भी हम बेसन में, एक एक अंडे को हम तेल में ऐसे छोड़ते जाएंगे। तो एक बार में जितना अंडा आ सकेगा उतना हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम एक पॉइंटेड एक साइड से अंडा फ्राई हो चुका है। अब हम धीरे से इसे उलट लेंगे। तो इसे हम आसानी से ऐसे उलट लेंगे। अंडा दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम एक एक अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना एक फ्राई हुआ है। अब हम सभी अंडे को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई हो गए, जो तेल बचा है उसी में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो हम 2 बारीक प्याज को काट लिए हैं, यानी कि 2 प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसे सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। प्याज के साथ लहसुन भी भून चुका है। आप देख सकते हैं प्याज लहसुन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 चम्मच
हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो हमने 2 बड़े टमाटर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो मिक्सर में पीस भी सकते हैं और इसे हम पीस कर लेंगे। और साथ में हम डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है, तो हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब हमें मसाला को ढक ढक के 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो हम कवर कर करके भूनेंगे जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा। मसाला को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कड़ाही छोड़ दिया है, कलर भी इसका अच्छा सा हो गया है। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और साथ में हम डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं और हमें अच्छे से भून लेना है, यानी कि धनिया पत्ता और गरम मसाला को भी अच्छे से भून लेना है आधे मिनट तक। आधे मिनट में ये भून जाता है। तो हमने प्याज गरम धनिया पत्ता गरम मसाला को हमने अच्छे से भून लिया है। अब ये बेसन का जो घोल हमने बनाया था उसमें से जो थोड़ा सा बच गया है उसमें 1/2 ग्लास हम और पानी ऐड करेंगे और इसे एक पतला सा घोल बनाएंगे। अब हम इस घोल को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। अब पानी थोड़ा और डालना है तो हम अलग से डाल देंगे, यानी कि टोटल हमें 1 ग्लास पानी डालना है और इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक चला के पका लेना है। तो ग्रेवी गाढ़ी है, हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी। और ऊपर से हम 1/2 ग्लास पानी डाल दे रहे हैं, यानी कि आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कीजिए और इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। ग्रेवी हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और आप लोगों को प्लेटिंग करना बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और एक एक हो एक को हम उठाएंगे और सबसे पहले हमने जैसे कट लगाया था वैसे कट को फिर से ऐसे थोड़ा सा कर देंगे। इससे क्या होगा, अंडे का फ्लावर अच्छे से उभर जाएगा और इसे हम ऐसे खड़ा खड़ा रखेंगे। तो हमने दूसरा अंडा भी ऐसे लिया, हमने दूसरा अंडा लिया, इसका भी कट लगाया और इसको ऐसे हम खड़ा कर देंगे। ऐसे हमें कट को ओपन कर देना है क्योंकि बेसन से अपना कट जो है वो चिपक चुका है। अब हम इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। एक को हमने फ्लावर के जैसे काट के सजा लिया है, अब हम उसके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। हम 1-1 चम्मच ग्रेवी लेंगे और इसके ऊपर से सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रेवी को हमने सर्व कर दिया और ऊपर से हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो ऐसे हम बीच में धनिया पत्ता लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लावर एक कढ़ी बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे आप बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।